अस्सलाम वालेकुम नाजरीन नाइन्टी स्पोर्ट्स के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली अहमद आज हम बात करने जा रहे हैं जो कल मैच खेला गया है इस्लाम आबाद यूनाइट वर्सेज कोटा कलेडिटर के, के दरियाँ जिसके अंदर कोयटा ग्लेडिएटर ये मैच जीत चुका है इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे के इस्लाम यूनाइट की बैटिंग में उसके अंदर का हम देखें तो मुनरो ट्वेंटी रन और एलेक्स हेज भी ट्वेंटी वन किए हैं मतलब कि स्टार्ट इन्होंने अच्छा दे दिया है उसके बाद मतलब कि ज़्यादा रन इनसे नहीं हुए हैं तो पावर प्ले में एक अच्छा स्टार्ट दिए कि वो दोनों आउट हुए हैं उसके बाद आगा सलमान आए आगा सलमान का आते साथ ही कैच ड्रॉप हुआ है मोहम्मद आमिर ने कैच ड्रॉप किया उसके बाद उन्होंने थर्टी थ्री रनज किए हैं दैन उसके बाद शदाब खान फिर टू डोन आ गए हैं ये समझ से बला तर है जब इनका दिल करता है वो वनडोन आ जाते हैं जब इनका दिल करता है ये टूडोन आ जाते हैं जब इनका दिल करता है ये छठे नंबर पर चले जाते हैं मतलब इसका ये है कि जब विकेट आसान हो तो ये वनडोन आ जाते हैं जब विकेट मुश्किल हो तो ये नीचे बैटिंग पर चले जाते हैं इसका एक और मतलब है कि इन्होंने ये टीम अपने घर की टीम समझी हुई है कि फ्रेंचाइज की टीम तो नहीं है ना ये अपनी मनमानी कर रहे हैं जो इनका दिल करता है वो करते हैं इस तरह जैसे कि आसफ़ अली और इफ्तार अहमद भी इस्लाबाद यूनाइटेड में थे उनके होते हुए भी ये वन डाउन टू डॉन आते रहे हैं तो ये ज़्यादी नहीं प्लेयरों के साथ जो कि प्रॉपर प्लेयर हैं शदाब खान जो हैं वो बॉलिंग आलराउंडर है ना कि बैटिंग आलराउंडर और बैटिंग करने के लिए वो वन डाउन भी आ जाते हैं उसके बाद हम अगर आप नीचे जाएँ तो आज़म खान आजम खान भी तीन मैचेस के अंदर एक मैच में उनके बारी नहीं दो मैचेस के अंदर जो है ना उन्होंने कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी तो मुझे तो वो ऑफ कलर